अस्सलामुअलैकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। तो आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा गला ख़राब हो गया है तो बात करने में थोड़ा मसला बन रहा है। अच्छा, तो गाइस आज हम जाने लगे हैं छोटी बहन का रिश्ता देखने। मैंने कहा चलें जी आप सबसे भी शेयर कर देते हैं। और इतने अच्छे मेरे फ्रेंड हैं, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, उनसे भी कोई राय ले लेनी चाहिए कैसा है या फिर रिश्ता करना चाहिए डर नहीं करना चाहिए। तो अभी हम घर से निकले, रास्ते में आ गए हैं, मतलब कि हम भी शहर में रहते हैं तो वो भी शहर के करीब ही हैं, थोड़ी दूर हैं शहर से। तकरीबन हमारा 50-50 लगा था किराया, तो भाई नहीं आया, भाई को नींद आई हुई थी। पहले भाई ने बोला मैं बाइक पे ले जाऊंगा, फिर भाई हमारे साथ नहीं आया। तो लो जी, उनका साथ ना छोटा सा गांव है, अब हम उनके घर आ गए हैं। मेन गेट है, इधर से हम इंटर अंदर। ये आगे ऐसी उन्होंने खाली जगह बनाई हुई है बैठने बैठने के लिए। तो इधर इनकी हवेली है साइड पे, और ये घर का गेट है। मम्मी तो घर में चली गई, अब मैं भी जा रही हूँ जी। हम घर के अंदर आ गए हैं, तो ये इनका घर है सारा। फिर बाद में मैं आपको सारा घर भी दिखाऊंगी, घर की एक एक चीज़ दिखाऊंगी। तो ठीक है, अच्छा क्यों करा। मम्मी कह रही है भाई नहीं आया, उसके दोस्त आ गए थे रात को। भाई के दोस्त इतने ज़्यादा आए हुए थे तो भाई सारी रात उनके साथ जागता रहा। तो अभी हम आने लगे थे तो भाई उठे ही नहीं, हमने इतना उठाया हमारे साथ, चलो फिर भी भाई नहीं उठे। आ जाए जी अगर किसी ने कुछ खाना है। लो जी अब आ गई है हमारे लिए खाने पीने की चीज़ें। ख़त्म उन्होंने पहले मंगवा के रखी थी, दही भल्ले थे साथ में, मीठा था, बिस्कुट, रसगुल्ले और बनाना था और पेप्सी। तो मेरा तो गला ख़राब था, एक तो मैंने बनाना कभी खाया नहीं क्योंकि बनाने से ना मुझे थोड़ा मसला हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है। और पेप्सी भी मैंने नहीं पी, बस मैंने थोड़े दही भल्ले खा लिए। तो बस वो भाई बार बार मजबूर कर रहे थे, नहीं नहीं खाओ और भी खाओ और भी खाओ, मैंने कहा नहीं बस काफ़ी है। अच्छा जी अब हम आपको इनका घर दिखाते हैं सारा। इसी उस भाई का अकेले का घर है जिससे उस माँ की शादी होनी है। तो माशाल्लाह से ये इनका है किचन, इनका किचन है। तो मम्मी को मैंने बोला मैंने वीडियो बनानी है, मम्मी कहती क्या करनी वीडियो बना। मैंने कहा अपने फ्रेंड्स से मैंने शेयर करनी है। तो अच्छा कहती है बना लो। ये इनका किचन के साथ वाला है बेडरूम है, बच्चों का ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं और वो जो सिस्टर काम करने वाली वो बैठी हुई थी। कमरे तो प्यारे हैं, वैसे हर कमरे के साथ वॉशरूम भी अटैच है। एक कमरा ये हो गया, इधर इन्होंने अपनी चीज़ें रफ़ चीज़ें रखी हुई हैं, ये साथ वॉशरूम। और ये जो इधर जगह बची है ये ऐसी जगह इन्होंने बनाई हुई है जैसे बड़े घरों में होती है ना,
रफ जगह वो है कि इधर इधर भी कमरे हैं इनके आगे तीन चार, तो वो कह रहे थे बस उधर कोई नहीं, इतनी अच्छी चीज़ें हमने नहीं रखी हुई, ज़रूरत का सामान है, कभी ज़रूरत पड़े तो ले लेते, या फिर वो जो काम करने वाली है ना सिस्टरें और वो भाई वो उधर रह लेते हैं। तो ठीक है जी, अब हम देखने लगे हैं बच्चों का कमरा, खेलने वाला जिधर बच्चे खेलते हैं, ये है जी बच्चों का कमरा जिधर बच्चों के खिलौने पड़े और फ्री टाइम बच्चे इधर आके खेलते हैं। तो ये भी देख लिया, अब हम देखते हैं जी सामान वाला कमरा जिधर इन्होंने सामान रखा हुआ है। तो ये हो गया जी वो कमरा, ये सामान है, ये चारपाइयाँ, साथ मशीनें पड़ी हुई हैं, ठीक है प्यार है सामान भी, तो अल्लाह जिनका है उनकी किस्मत में करे। ये भी देख लिया जी, अब हम जाने लगे हैं छत पे, ये इनका हाल है माशाल्लाह काफ़ी बड़ा, इधर हाल में बेड पड़ा हुआ है। तो अब हम निकल आए हैं, अब हम जाने लगे हैं छत पे, तो विज़िट करवाते हैं आपको छत का भी, आपने हमारे साथ रहना है और आपने भी अपनी राय देनी है कि ये क्या करना चाहिए, कैसा लगा आपको घर। तो ये मैं जा रही हूँ जी बाइक के पीछे पीछे, ऐसे हम तेज़ हो गए हैं, मैंने वीडियो थोड़ी तेज़ की थी क्योंकि ज़्यादा टाइम की बन रही थी 10-12 मिनट की, तो थोड़ी तेज़ करने की वजह से अब हो गई है 8 मिनट की। अच्छा देखो ये गोट आ गई है किसी के ऊपर, तो निकल ही नहीं रही, तो उसे भाई भगाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे कमरे दिखा रहे हैं कि इधर से ये कमरा है, जैसे जिस तरह का नक्शा नीचे बना हुआ उसी तरह का ऊपर भी बना हुआ है। ये भी साथ उनके रिश्तेदारों के घर हैं, मामू का बेटा, चाचू का बेटा, कुछ उन्होंने बताया था लेकिन मुझे मेरे माइंड में नहीं, तो उनके घर है माशाल्लाह से, गांव में है घर, प्यारे होते हैं, सब्ज़ा वगैरह भी और दरख्त भी होते हैं, प्यारे हैं घर। ये भी अब ये छत के ऊपर से ही हमें हवेली दिखाने लगे हैं, साथ ही अटैच है इनकी हवेली जिधर इन्होंने जानवर बंधे हुए हैं, ये इनकी हवेली है। तो मज़ीद हम नीचे जाके भी आपको दिखाएंगे सारी हवेली और सारे जानवर भी दिखाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं नीचे, अब हम जाएंगे हवेली के हवेली की तरफ जाएंगे। ये जिधर से हम उतरे हैं ना, ये जो कमरा था ना, ये इनका तय खाना, इधर नीचे भी ऐसे समझो पूरा घर बना हुआ है। तो ये इन्होंने मशीन लगाई हुई है जिससे घास वगैरह काटते हैं, और ये गेट है इनका हवेली की तरफ जाने वाला, और आगे एक और गेट है जो हवेली के अंदर हम इंटर होंगे, वो भाई खोल रहे हैं। तो लो जी हम आ गए हवेली के अंदर अपनी प्यारी प्यारी भैंसों के पास, और छोटे छोटे ये जो जानवर बंधे हुए हैं पारे पारे इनके पास हम आ गए। देखे कैसे भैंस हमारी तरफ देख रही है कि ये मोटी किधर आ गई, उनको ये नहीं पता कि अब मोटी का इधर आना जाना लगा रहेगा। देखो उन्होंने पंखे ऊपर लगाए हुए हैं, जानवरों के ऊपर भी पंखे लगे, ये तो मुकद्दर की बात है ना, किस्मत हुई तो फिर इंशाल्लाह आते जाते रहेंगे और इन जानवरों से भी मिलते जुलते रहेंगे। तो अभी इधर मैंने एक चीज़ देखी, ये देखें जी, ये हमारा छोटा सा बेबी, इतना पारा है, इतना मुझे पारा लग रहा था, तो मैंने कहा चलें इससे थोड़ा पार वार कर लेते हैं। तो चलें जी अब हम फिर जाने लगे हैं घर की तरफ। मेरे साथ भाई काफ़ी मजाक कर रहे थे।